हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आपके लिए जो कोड 501 है, यानी भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है उसके संदर्भ में उसके कुछ क्वेश्चंस उठा के लाई हूँ। आज की ये वीडियो है, स्पेशल वीडियो है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। 150 या फिर 500 वर्ड में भी उसको आप आराम से लिख सकते हैं, यानी लॉन्ग टाइप भी आप इससे क्वेश्चंस जो है आपके लॉन्ग टाइप के हैं, लेकिन इससे आप शॉर्ट टाइप के भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, जनरली आप क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप में ही याद करिए, और यदि लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, शॉर्ट में आते हैं, तो आप उसे शॉर्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आप शॉर्ट आंसर याद करेंगे और क्वेश्चन अगर वो लॉन्ग में आता है, तो आपको लिखने में प्रॉब्लम जाएगी। तो कोशिश ये करिए, आपकी जो क्वेश्चन है कम से कम उसके आंसर 100 वर्ड में आप लिख सको। क्योंकि अगर लिखने के लिए आएगा तो 150 या 200 वर्ड्स में लिखने के लिए आएंगे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन से याद कर लेंगे जिसे, और उसके दिन अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। अब देखिए, इससे ये शॉर्ट या आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें शॉर्ट भी क्वेश्चन है। आप कहेंगे कैसे, तो इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन बन के आपका आ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का क्या अभिप्राय है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसी का दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान के क्या लक्ष्य है, कोई दो लक्ष्य लिखिए। सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य है, कोई दो या तीन उद्देश्य लिखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन गए। लेकिन जब आप इन तीनों चीजों को मिला दीजिए कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। तो आप क्वेश्चन ये याद करिए, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य याद कर लीजिए। अब इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, सर्व शिक्षा की स्थापना कब हुई, सर्व शिक्षा के क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य थे, या इसका मतलब क्या है, किन लोगों के लिए शुरू किया, सब कुछ बन जाएगा। चलिए आइए आंसर देखते हैं। तो देखिए, 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो लेकिन राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल होने के कारण देश में अच्छी शिक्षा का माहौल नहीं बन सका, और 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, और जिसके अनुच्छेद 45 में, क्योंकि हर बार हमने कहा अनुच्छेद 45 जो शिक्षा का अधिकार है आपका, 1960 तक 14 साल के सभी बच्चों को, यानी 1960 में जो 1950 में संविधान आपका लागू हुआ, और अनुच्छेद 45 में 1960 तक के लिए एक लक्ष्य रखा गया। तो लक्ष्य यही आपका था, अगर लक्ष्य की यहाँ पे बात की जा रही, तो लक्ष्य आपका था कि 1960, लक्ष्य का मतलब होता है एक टारगेट, ठीक है ना। जैसे अगर सरकार जो लक्ष्य रखती है, तो एक वो टारगेट बना के लक्ष्य रखती है, और उनका टारगेट ऑलवेज ईयर पे होता है। तो 1950 में संविधान लागू हुआ था, और संविधान लागू होने के बाद अनुच्छेद 45 में 60 में लक्ष्य रखा गया था कि 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई, और उसमें यह कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर देश के हर राज्य अपने क्षेत्र के सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगी। लेकिन ये संवैधानिक निर्देश अभी वास्तविक रूप से काफी दूर था, और सरकार द्वारा काफी कोशिशों के बावजूद भी इसमें 19 के मुताबिक सफलता नहीं मिली। तो सर्व शिक्षा अभियान क्या है, उसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा का अभियान ही सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व का मतलब होता है यूनिवर्सलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं सार्वभौमिकरण, ठीक है ना। तो सर्व का मतलब सब होता है, तो सबके लिए शिक्षा पहुंचाना, चाहे वो वंचित वर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे ST ST अनुसूचित जनजाति, किसी भी तरह का लोग हो, किसी भी समाज के रहने वाले लोग हों, तो सब तक शिक्षा का पहुंचाना ही सर्व शिक्षा अभियान है। और इसका जो लक्ष्य है, तो अनुच्छेद 45 में 1960 तक 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी, यानी सभी राज्यों को आदेश दिया गया था कि 14 वर्ष के नीचे जितने आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार दे, ठीक है। तो ये इसका मेन लक्ष्य हो गया। यह एक भारत सरकार का कार्यक्रम है, और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिए की गई थी। वही मैंने कहा कि सार्वभौमिकरण यानी सबके लिए, यानी पूरे विश्व के यहाँ पे बात हो रही है, सबको शिक्षा पहुँचाना था, वो भी प्राथमिक शिक्षा। भारतीय संविधान के जो आपका 86वां संशोधन था, उसके तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, और
इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाले प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना है। यानी इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य देख लीजिए, तो उद्देश्य ये था कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना था। और ये व्यवस्था लागू की गई, केंद्र और राज्य दोनों ही भागीदारी होंगे, यानी केंद्र ने तो बता दिया लेकिन इसको लागू करना हर एक राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। और इस योजना में 8 कार्यक्रम है, जिसमें ICDS या बाल समन्वित विकास योजना, यानी ICDS जो आपका आंगनवाड़ी होता है, बाल समन्वित विकास योजना, आंगनवाड़ी आदि भी शामिल है। और 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत की गई, जिसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय कर दिया गया। इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए, सर्व शिक्षा अभियान में एक बार नहीं, जितनी भी वीडियोज बनाती हूँ, और अगर मैं सर्व शिक्षा का वीडियो बना रही हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि शिक्षा में, जैसे आपके शिक्षा नीति है, जिस तरह कोठारी आयोग की वीडियोस कुछ हो गए हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी एक ऐसा उन्हीं में से है, सर्व शिक्षा अभियान। तो इसको जितना आप पढ़ लीजिए, कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज़ आप इसका मिस मत करिएगा। तो देखिए, इसका तो हम उद्देश्य लक्ष्य देख के आ ही गए कि 1960 जो था, 1960 तक सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों को सब तक पहुंचाना था। उद्देश्य जो अब देख लेते हैं क्या है, तो इसका जो उद्देश्य था यही था कि 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना था, और केंद्र के साथ में राज्य दोनों की भागीदारी ये थी कि केंद्र तो जो है उसको लागू तो कर दिया, लेकिन जो राज्य हैं वो भी अपने अपने राज्यों में इसको लागू करें, सब तक, सब बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाएं, इस योजना को पहुंचाएं। और इस योजना में 8 कार्यक्रम हैं, इनमें से ICDS या बाल समन्वित और आंगनवाड़ी भी शामिल किए गए हैं। 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत की गई, यानी कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना कब की गई, तो 2004 में की गई, और उसके बाद से ही सर्व शिक्षा अभियान के साथ उसे विलय कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान और कस्तूरबा गांधी बालिका जो योजना है, एक साथ ही हो गई, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य देख लीजिए, अलग से देख लीजिए, ठीक है ना। तो 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक स्कूल और बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता की गई। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं, दूसरा इसके मेन लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें, जो बच्चे 5 वर्ष तक के हैं, यानी प्राथमिक शिक्षा उनकी पूरी हो जाए। और वर्ष 2010 तक सभी बच्चे जो है 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें, यानी 2010 तक के जो जितने भी बच्चे 8 वर्ष की जो स्कूल की शिक्षा वो सभी कर लें। और 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना भी जरूरी था। सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक लक्ष्य को भी प्राप्त करना था, और जीवन उपयोगी गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना भी था। तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जो थे, प्रारंभिक गुणवत्ता शिक्षा, लिंग भेद, सामाजिक अंतर को मिटाना। तो देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का अगर शॉर्ट आप एक मेन चीज निकालें तो वो था कि जो प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखना, लिंग भेद और सामाजिक अंतरों को मिटाना, और बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य देना, और इसी को सर्व शिक्षा अभियान कहते हैं, ठीक है ना। तो सर्व शिक्षा अभियान के जो आपके मेन उद्देश्य और लक्ष्य थे तो ये थे। तो आप इसको जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि जो आपका UEE के लक्ष्यों के गैर उपलब्ध के कारणों को बताइए। देखिए, मैंने ये एक वीडियो और बनाया था, उसमें भी मैंने इसके आंसर आपको दिए थे, क्योंकि मेरे जनरली जो वीडियो होते हैं वो PDF के ही होते हैं। मैंने जो वीडियोस अगर क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं, तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं स्लाइड बनाती हूँ, और जनरली जो मेरे क्वेश्चन आंसर होते हैं वो PDF में फाइल खोलती हूँ, जिससे आपको एक्सप्लेन कराती हूँ। तो जो आपका प्रारंभिक सार्वभौमिक शिक्षाकरण है, उसको UEE इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन, तो इसके जो गैर उपलब्ध के कारण हैं वो आपको बताने हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला देख लेते हैं, शिक्षकों की कमी, ठीक है ना, गैर उपलब्धि जो कारण है। यानी आज के संदर्भ में देखा जाए तो बच्चे जो है वो ज़्यादा हैं, लेकिन शिक्षक जो है वहाँ पे कमी है। यानी कि ऐसे बहुत से विद्यालय जहाँ पर 100-200 बच्चों पर केवल एक शिक्षक कार्यरत है, तो ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा की सार्वकीकरण की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यानी शिक्षकों की कमी सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है। गरीबी, अब देखिए, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो गरीब हैं, जिनके माता पिता मजदूर हैं, खेती किसान वाले भी होते हैं, जो करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, तो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज पाते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, जीवन यापन के लिए उनका इतना मुश्किल पड़ जाता है, दो वक्त की रोटी ही उनके लिए मुश्किल होती है, तो फिर वो बच्चों को कैसे पढ़ा सकते हैं।
तो छोटी उम्र में बच्चों को बाहर काम करने के लिए भेज देते ताकि उनके लिए कुछ पैसे आए, तो इसीलिए इसकी वजह से वो बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं दिलवा पाते हैं। तो मेन जो है गरीबी है, अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता। आज भी हमारे यहाँ अंधविश्वास एवं रूढ़िवादिता की जड़ें इतनी गहरी हैं कि लोग उनसे उभर नहीं पा रहे हैं। यानी कि लड़कियों के लिए अगर देखा जाए तो लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता क्योंकि लड़कियां हैं, पढ़ के क्या करेंगी, उनको दूसरों के घर जाना है और खाना ही पकाना है। तो ये चीज़ें जब इन चीज़ों से बाहर निकले तब वो बच्चों को स्कूल भेजें। शिक्षक में चेतना का अभाव, जो शिक्षक लोग होते हैं वो भी इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। देखिए मेन रीज़न है आपको ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है, अनट्रेन टीचर, उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं होता है पढ़ाने की तकनीक से, पढ़ाने की जो शिक्षण विधि होती है उससे वो अनभिज्ञ होते हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता है, तो इसलिए शिक्षक में चेतना का भी अभाव होता है। उन्हें तो अपनी ड्यूटी करनी है, जाना है और चेयर पे बैठ जाना है, लेसन को पढ़ देना है, क्वेश्चन आंसर जो है वो करा देना है बस। तो इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करने के क्या चरण हैं। इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, एक बार फिर से आप इसे देख लीजिए, ठीक है। मैंने तो उसमें आपको पूरा सर्कल में ही बताया था कि सूक्ष्म आयोजन प्रक्रिया में समुदाय को शामिल करने के क्या चरण है। देखिए पहला है समुदाय का सशक्तिकरण होता है, क्योंकि जो ग्राम समिति विद्यालय होते हैं, प्रबंधन समिति होती है, बहुत सारे ऐसे संघ होते हैं जिनको प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला की व्यवस्था की जाती है। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार को पहचान सके, तो समुदाय का सशक्तिकरण है। दूसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम, कानून से समुदाय को अवगत कराना चाहिए, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित काम होने चाहिए, जैसे मीना अभियान, माँ बेटी मेला, महिला सम्मेलन, किशोरी मेला, बाल शिशु मेला, प्रभात फेरी, पंजीयन अभियान, सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये सब जब शिक्षा में स्कूल में सब चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी गतिविधियाँ होती हैं, तो बच्चे जागरूक बनते हैं, समझते हैं। आयोजन दलों की पहचान होनी चाहिए, अभ्यंतर आयोजन दल का क्षमता निर्माण होना चाहिए, उन मुद्दों के पहचान करना जिनसे निपटने के लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं प्राथमिक शिक्षा स्तर पर समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। सिर्फ समावेशी शिक्षा अगर आप इसका मीनिंग जान लेंगे, अर्थ जान लेंगे, तो आपको ज़्यादा इसको ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, माइंड में नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी शिक्षा के उद्देश्य होते, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा हो, सर्व शिक्षा अभियान हो, प्रारंभिक सार्वकीकरण शिक्षा हो, कुछ भी हो, सबका मेन एक ही लक्ष्य होता है कि शिक्षा में, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त निःशुल्क शिक्षा। तो देखिए समावेशी शिक्षा जो है, शिक्षा क्षतियुक्त और विशिष्ट बालकों को मुख्य धारा में शामिल करके उनमें अधिक भलाई के विषय में सोचना समावेश का ध्येय है। क्षतियुक्त और विशिष्ट बालक है ना, प्रतिभाशील बालक। यानी देखिए ये डीएलएड और बीएड जो है इनमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे हम लोग कहते हैं, बहुत कहते हैं ना, प्रतिभाशील, प्रतिभाशाली, प्रतिभामुखी व्यक्ति, इनमें इनका मतलब कुछ अलग निकलता है। विशिष्ट बालक, विशिष्ट का मतलब होता है बहुत उच्च कोटि का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अलग निकल रहा है। ऐसे व्यक्ति जो हैंडीकैप है, जो बधिर है, जो बोल नहीं सकते हैं, जो गूंगे हैं, जो कुछ ऐसी श्रेणी में कुछ बालक आते हैं, उन बालकों की भलाई के लिए काम करना, उनको शिक्षा पहुँचाना, उन तक शिक्षा को पहुँचाना और उनकी शिक्षा में सुधार लाना, यही है समावेशी शिक्षा। पहले की शिक्षा क्या होती थी, किस तरह के बालक होते थे तो उनको अलग बिठा दिया जाता था, और जो ये बालक होते थे, सामान्य बालक होते थे, उनको अलग बिठाया जाता था, या फिर तो एक वर्ग जो होता था शिक्षा से वंचित रह जाता था क्योंकि एक वर्ग पे ध्यान नहीं हो पाता था। तो जो इस तरह के बालक है उन लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से शिक्षा समान बालकों के साथ समान कक्षा में शिक्षण ग्रहण करना, ठीक है ना, जैसे समान वाला जिस कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं उन्हीं के साथ बिठा के उन्हीं की तरह शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है, ठीक है। यानी उनके साथ कोई भी विशिष्ट और समान बालकों में किसी प्रकार का भेदभाव ना करना ही समावेशी शिक्षा। अगर आप इतना भी लिख देंगे कि जो विशिष्ट और समान बालक होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना ही समावेशी शिक्षा है, ठीक है। और देखिए किसी भी शिक्षा प्रणाली के निर्धारण प्रायः बालकों की बुद्धि, लब्धि, शैक्षिक योग्यता और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है, और समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धि, लब्धि, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। देखिए एज एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, जो जो बालक बहुत तेज होता है या तो उससे जनरली क्वेश्चन करते हैं क्योंकि जल्दी आंसर मिल जाएगा, फिर हम लोग जनरली किससे क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत ही कमजोर बालक होते हैं, जानते हैं कि ये बहुत समझदार है बच्चा है और इससे तो आंसर बन ही रहा, तो इससे नहीं पूछते हैं, नहीं वो बच्चा हाथ उठा देगा तो बोलेंगे नहीं आप बैठो,
चलो आप बताओ, यानी जिससे नहीं बन रहा है, ताकि वो पढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, उसे भी लगे। तो ये चीज़ जो होती है यही कहलाती है। तो जो विशिष्ट और जो कुछ सामान्य बालक होते हैं उनको एक साथ बिठाकर शिक्षा उपलब्ध कराना ही जो होता है समावेशी शिक्षा कहलाता है, ताकि उनमें कोई फर्क ना रह जाए, कोई भी ग्लानि उसके मन में ना रह जाए जो विशिष्ट प्रकार का बालक है, कि ये तो समान नहीं, ये तो मुझसे अच्छा है, इसको अलग तरह की शिक्षा दी जा रही है, मैं ऐसा हूँ इसलिए मुझे ऐसी शिक्षा दी जा रही है, तो बिल्कुल भी नहीं। दोनों को साथ में रखकर शिक्षा दिया जाना ही समावेशी शिक्षा है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के विकास में बीआरसी और सीआरसी की दायित्व और भूमिका को बताइए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीआरसी और सीआरसी, क्योंकि शिक्षा के सभी कार्य जो होते हैं यहीं से होते हैं। ये जो होता है आपका ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के काम होते हैं इसमें, जो आपका जिसे आप प्रखंड या फिर ब्लॉक बोलते हो। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसके जो दायित्व और भूमिका होते हैं दोनों के सेम होते हैं। सिर्फ इतना होता है कि सीआरसी सबसे पहले काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीआरसी को रिपोर्टिंग करना, और फिर बीआरसी काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट लेवल पे वहां पे रिपोर्टिंग करना। तो इन दोनों की जो भूमिका और दायित्व है आप एक समान लिख दीजिएगा। जैसे सेवारत अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना दोनों का काम होता है, शिक्षक को शिक्षण को प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाना, विद्यालयों में शिक्षण के दौरान आने वाली मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके शैक्षिक वातावरण का सृजन करना और अभिभावकों को चेतना जागृत करना, बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि बच्चों के पंजीकरण में वृद्धि के लिए कोशिश करना, विद्यालय, न्याय पंचायत और ब्लॉक स्तर पर क्रीड़ा बाल विवाद क्विज का आयोजन करना, और विद्यालय को चलने के लिए नियम तथा क्रियाविधि तैयार करना, और विद्यालय निधि प्रबंधन और बंटन। ये जो है आपके बीआरसी और सीआरसी के दायित्व और भूमिका है। तो आप एक ये इतने याद कर लीजिए, 5 या 6 पॉइंट, एक्सप्लेन करके इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, और कुछ ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा और, नए सिलेबस और पाठ्यचर्या कार्यान्वित करने की व्यवस्था करना, अध्यापकों के लिए कार्यशाला आयोजित करना, विद्यालय समिति के सभी विद्यालयों का निरीक्षण करना, फर्नीचर लेखन सामग्री उपलब्ध कराना, शैक्षिक उत्सवों को मनाना, अध्यापकों को नियमित बैठक करवाना, आज सभी बीआरसी सीआरसी के मेन काम होते हैं, जिन्हें आप संकुल कहते हैं सीआरसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैंने आज उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जिनके आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम में ज़्यादा है। इनसे या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोनों क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बस आप लॉन्ग क्वेश्चंस याद कर लीजिए, इनको अगर शॉर्ट आते हैं तो आपसे बन ही बन जाने हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो करना ही करना है, लेकिन यदि आपने उसके पहले को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।